कसरावत तहसील बड़वानी जिला बड़वानी। ये गांव नर्मदा किनारे बस एक किलोमीटर की दूरी पर है और ये गांव सरदार सरोवर बांध की वजह से डूब जाएगा, ऐसा सर्वे 2001 में हुआ था। पर शासन के दूसरे 2008 के सर्वे के अनुसार कसरावत के 364 घर डूब के बाहर बताते। ऐसे ही पूरी स्थिति मध्य प्रदेश के 55 गाँवों की है। अब मध्य प्रदेश शासन का कहना है कि 55 गाँवों में 16,000 परिवार डूब से बाहर, पर गांव वालों का कहना है कि ये सब गांव डूब जाएगा। कसरावत का 364 मकानों का सर्वे हुआ है, उसमें से 25 मकान ये डूबे दिखा रहे हैं सरकार की लिस्टों में। 2008 में नया ही खेल चालू कर दिया है, ये 364 मकानों को डूब से बाहर कर दिया है, जिसमें से 25 मकान डूब में है और बाकी डूब से बाहर कर दिया है। तो ये आंकड़ा कहाँ से निकला? यह आंकड़ा सूचना अधिकार कानून के तहत जानकारी निकाली गई है। आपने खुद निकाला? हाँ, खुद जानकारी निकाली गई है। इसका अर्जी दी गई थी मैंने और मुझे NVD द्वारा प्रमाणित कॉपी मिली गई है। उस समय यहाँ पे बाबा अमटे भी थे, उन्होंने ये बोला था कि पुनर्वास नीति एवं एक्शन प्लान और ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार पुनर्वास होना चाहिए। नहीं, हमारा सर्वे अभी 7 मकानों का नहीं हुआ, अभी तक भी सर्वे का कोई है नहीं। जहरे हम गए थे, जहरे ने कहा आप जब जाओगे जब तुम्हारा सर्वे हो सकते हैं, तुम चाहो उस दिन सर्वे करके तुम्हारा मुआवजा तुमको मिल जाए। तो ये जो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने घर डूब से बाहर बताए, इसके ऊपर आपकी क्या राय? नहीं, इनका आंकड़ा बहुत गलत है। उनका तो सरकार को पेश करना था कि बांध की मंजूरी इनको मिले, इसलिए इन्होंने सब डूब से बाहर 55 गांव करे हैं। आपको क्या लगता है अभी क्या होना चाहिए? इसका बैकवाटर का सर्वे होना चाहिए, बैकवाटर का ही वजह से ये गांव डूब में आ रहे हैं सब 55 गांव पूरे। जब सरदार सरोवर की पूरी ऊंचाई जैसे 139 मीटर जो चल रहा है काम सरदार सरोवर का, तो पूरा गांव डूबना है। पर मुझे तो ये लगता है कि जो कर बड़वानी कसरावत डूबता है तो बड़वानी में भी पानी पड़ने की संभावना है, क्योंकि कसरावत ऊंचाई पे है और 70 की बाढ़ में ही बड़वानी में पानी था। इन्होंने पूरे लेवल ही बदल दिए, इन्हें बड़वानी में भी शहर के अंदर लेवल एंड पत्थर लगे थे सर्वे के पुराने समय में 96 से 94 में, वो पत्थर ही बदल दिए। तो अभी आपकी मांग क्या है, क्या होना चाहिए? हमारी ये मांग है पुनर्वास सही होना चाहिए, जो पुनर्वास नीति में लिखा है, जो एक्शन प्लान में लिखा है, जो पुनर्वास नीतियों में अलग अलग तरीके से जो लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश उसके अनुसार पुनर्वास होगा तो अच्छा ही, सबसे अच्छा बेहतर पुनर्वास होगा। मेरा वीडियो देखने वालों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरे समुदाय को सही पुनर्वास हो, इसलिए नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके दबाव लाए। पता है श्री शशि शेखर, अध्यक्ष नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली, जिनका फ़ोन नंबर है 011-237-15919। मैं चेतन सालवे और ये मेरा समुदाय कसरावत जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।